देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमारा यकीन कीजिए अक्षय, हमने हमने सच में उसको नहीं देखा। आपको क्या लगता है अगर हमने उसको देखा होता तो छोड़ देते क्या? हाँ, इतना धुआं था, हो सकता है कि हम उस तरफ मुड़े हो और अनिया को लगा हो कि हम उसे देख रहे हैं, लेकिन हमने सच में नहीं देखा। अच्छा, इतना धुआं था वहां पे, काला काला धुआं था, उस धुएं में निया ने तुम्हें देख लिया लेकिन तुमने निया को नहीं देखा। पूछो कैसे? बहका रही है अक्षय तुम्हें मोहिनी, निया से गलती हुई है, बिट्टी ऐसा कर ही नहीं सकती। आपकी बिट्टी कभी कुछ गलत करती है? सिर्फ मैं और मेरी बेटी हमेशा गलत होते हैं, राइट? आपकी बिट्टी तो दूध की धुली है, मेरी बेटी को मरने के छोड़ के आ गई, फिर भी वो सही है। काम डाउन मोहिनी, हमारा यकीन कीजिए। आपको क्या लगता है हम किसी की बच्चे को मार सकते हैं? हम जानते हैं निया को गलत फहमी हुई, इसकी बातें ऐसे बात कैसे सकते हो? उठाएंगे तो शी ट्राई टू डरा। अब अपने बुढ़िया की ये दूर रहे, अब पार्टी बचा, अब अपनी बेटी बचती है, पर उन्होंने बेइज्जती क्यों किया? इस वक्त अंदर नहीं जाओगी तुम, निया से दूर रहोगे, उसके आसपास भी नजर नहीं आओगे। डरी हुई है मेरी बच्ची इस वक्त तुम, मैं नहीं चाहता हूं कि वो और डरे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस वक्त यहां से चली जाता हूं। अक्षय, आपको लगता है हम किसी को मार सकते हैं? कोई बात करना नहीं चाहता इस वक्त तुमसे मैं, इस वक्त तुम चली जाओ ना यहाँ से, जस्ट गो। चलो मम्मा, पापा ने बहुत इंतजार कर लिया आपकी, चलो मम्मा, चलो मम्मा। चलो मम्मा, सबसे पहले तुमने एक गलती की थी, मिट्टी का विश्वास तोड़ के आज भी वही गलती कर रहे हो। मिट्टी का विश्वास ना करके मम्मा, निया आपके बारे में इतना गंदा सोच भी कैसे सकती है? पता नहीं उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने उसे देखा जबकि हमने उसे नहीं देखा। अब हम कैसे यकीन दिलाएं, कैसे कोई गवाह लेकर आए जो बता दे कि हम सच में उसे नहीं देख पाए? पर मां, निया तो आपको कितना मानती है, फिर उससे आपके बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? और पापा, पापा को भी तो यही लगता है ना कि मम्मा ने नियादी को छोड़ दिया था। वो जानबूझ के मम्मा पे इल्जाम लगा रही है। मैंने देखा था होली के दिन जब मम्मी पापा साथ में थे ना, तो वो बहुत अपसेट थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, अपसेट तो वो थी जब हम नींबू पानी लेने घर आए थे, तो वो हमारे साथ आई थी और फिर हमसे कह रही थी कि उसे माँ और पापा को साथ में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये अभी जिस तरह बाहर डैड और अप्पू आंटी एक साथ इतना क्लोज होके डांस कर रहे थे, मुझे कुछ सही नहीं लगा। आपको पता है ना, मॉम एंड बात उसे कितनी हर्ट होती है। तभी हमें चलने की बू आई और हम दोनों लॉन्ड्री की तरफ भागे और वहीं फंस गए। और अब तो वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है ना, जानबूझ के मम्मा को फंसाना चाहती है वो। आखिर है तो वो उस मोहिनी की बेटी ना, कुछ तो असर आएगा ना अपनी माँ का उस पर। और आशु, तुझे मुझे उसी टाइम फोन करना चाहिए था, मैं तुरंत आ जाती घर से, वहीं उसकी ऐसी की तैसी कर देती। नहीं बेटा, गुस्से में आकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और निया ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी बच्ची है। अगर उसको लग रहा है कि हमने उसे देखा था, तो हो सकता है कि उसे गलतफहमी हुई होगी। और हम ये भी जानते हैं बेटा कि हम एक बार अगर उसे मिल लेंगे ना, तो अच्छी तरह से समझा पाएंगे, वो समझ भी जाएगी। सोचना भी मत, देखा नहीं कैसे हंगामा हुआ अभी। वैसे भी
जब से तुमने मोहिनी की असलियत अक्षय के सामने लाई है तब से मरी जा रही है तुम्हें बदनाम करने के लिए। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आने बाकी है। जब मेरी बेटी कह रही है कि उसने अपराजिता को उसे इग्नोर करते हुए देखा था तो देखा था। अब चली हो अक्षय, ये औरत मुझसे बदला लेने के लिए निया को मरने के लिए छोड़कर चली गई। निया के पास जाओगी ना तो उसे तो मौका ही मिल जाएगा तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। कुछ समय के लिए तो हमारी भी उम्मीद टूट गई थी, निया के लंग्स में काफी स्मोक भर चुका था। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, इनकी बर्न इंजरीज को हील होने में थोड़ा समय लगेगा, आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं, बट आपको वहां इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। जी। या वी डू एवरीथिंग डॉक्टर। आप में से कोई आ जाइए मेरे कैबिन में, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ। सर मैं चलता हूँ आपके साथ। ठीक है चलिए। मैं अब यहीं पर हूँ, बहुत बातें करनी है यार तुमसे। सॉरी यार, मैं इंडिया स्पेशल तुमसे मिलने ही आया था, बट आते मेरा बैग वॉलेट मोबाइल सब चोरी हो गया और मेरे पास तुम्हारा इंडिया वाला नंबर भी नहीं था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मैं एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम बस पहले अच्छे से ठीक हो जाओ। थैंक यू पिता। अर्जुन थैंक्स। हमारा यकीन कीजिए अक्षय, हमने सच में उसको नहीं देखा। आपको क्या लगता है अगर हमने उसको देखा होता तो छोड़ देते क्या? निया, एक बार फिर से सोच कर देखो ना, क्या वाकई तुम्हें लगता है अपराजिता ने तुमको देखा था, या हो सकता है कि धुआं बहुत ज्यादा था इसलिए शायद तुम्हें ठीक से नजर ना आया हो। डैड, आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं बेटा, वो नहीं लग रहा है मुझे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ अपराजिता। अक्षय, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या हो गया है तुम्हें? निया तुम्हारी अपनी बेटी है और तुम हो क्यों उस अपराजिता को डिफेंड किए जा रहे हो? व्हाई? जो हुआ हम सबके सामने हुआ, राइट? वो तुम्हारे सामने अंदर से सिर्फ छवि को लेकर आई थी, देखा था ना तुमने, तो फिर क्यों तुम निया पे विश्वास नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है मुझे, रिलैक्स। इनफ अक्षय, बहुत हो गया, बार बार एक ही बात दोहराने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी एक की साइड लेनी होगी, डिसाइड कर लो कि सच कौन बोल रहा है। तुम्हारी अपनी बेटी निया या फिर वो अपराजित? मैं आता हूं। इस आग ने सिर्फ तेरी लॉन्ड्री को नहीं जलाया, बल्कि इस आग ने तुम्हारे और अक्षय के रिश्ते को भी जलाया। अम्मा, अक्षय को लगता है कि यह आग हमारी वजह से लगी हुई है, हमने वो मीटर ठीक से ठीक नहीं किया। लेकिन अम्मा, हम जानते हैं, हमें पूरा यकीन है कि हमने वो मीटर ठीक किया था।
हम जानते हैं हमारी वजह से नहीं हुआ है, बस ये नहीं समझ पा रहे कि किसने किया होगा, किसकी वजह से हुआ है या किसने लगाई। माँ, हमें अभी भी लगता है कि हमने वीर को वहां देखा था। माँ, ये सब उसी ने किया होगा। पर बेटा, पुलिस का तो कुछ और कहना है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा, उसमें वीर कहीं नहीं गया था, वहीं था, वो बाहर निकला ही नहीं। अगर ये आग वीर ने नहीं लगाई तो किसने लगाई? आई नो निया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे या ना रहे, तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है। बेबी, अगर तुम कह रही हो कि अपराजिता जानबूझकर तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ आई थी तो आई बिलीव यू। बेटा, मैं हमेशा से कहती थी ना कि अपराजिता जैसी दिखती है वैसी नहीं है, वो हमारी सगी नहीं है बेबी। शी हेट्स मी एंड शी हेट्स यू, पर तुम हो कि बिल्कुल अपनी डैड की तरह उसकी बातों में आ गई। अब तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि वो कितनी घटिया औरत है। यू नो, मुझे तो लगता है कि लॉन्ड्री में आग भी उसी ने लगाई है। शुक्र है भगवान का, हमारे दोनों बच्चियों की जान बच गई। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, सभी को ले जा सकते हैं हम लोग? घर की हालत बहुत खराब है मम्मी, हालांकि वो बीच वाली दीवार की वजह से आग ज्यादा पहुंची नहीं है घर में, धुएं की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। पर लॉन्ड्री तो पूरी तरह से जल गई होगी ना, उसकी मशीनें, फर्नीचर, कपड़े, सब कुछ जल गया होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा। ये लॉन्ड्री सिर्फ हमारी रोजी रोटी नहीं थी अम्मा, हमारा आत्मविश्वास था, हमारी पहचान थी। इस लॉन्ड्री से सिर्फ हमारा घर नहीं चलता था, हमारे बच्चों का भविष्य भी चलता था। इनकी पढ़ाई, इनकी शादी का खर्चा, सब कुछ उसी लॉन्ड्री से जुड़ा था। उस लॉन्ड्री को हमारी तो कमर टूट गई अम्मा, और ऊपर से निया हमको गलत समझ रही है। उसे लग रहा है कि हम उसे जानबूझकर वहां छोड़कर आ गए, पर ऐसा नहीं हुआ है अम्मा। हम कैसे साबित करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम हर जगह से गलत साबित हो रहे हैं। अक्षय की नजरों में भी हम। माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हैं ना आपकी लाइफ के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स, हम तीन मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ मम्मी, 15 साल पहले तो हम तीनों बहुत छोटे थे, तब आपको लॉन्ड्री अकेले खड़ी करनी पड़ी थी, पर अब हम सब बड़े हो गए हैं। अब तीन नहीं, 13 है। 13? हाँ, तू, मैं, छविधि और 10 के बराबर हमारी मम्मी। अपने तू ऐसी उड़ान दे के जी।
जिंदगी अक्सर सवाल पूछती रहती है, पर हम अगर एक दूसरे का हाथ थाम ले तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, आग का कारण तो पता लगाना ही होगा हमको। दिशा, वो कोई बात नहीं, अर्जुन तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं थी वहां और मैं जानती हूँ कि तुम निया के दोस्त हो, तुम दुबई से हो साथ में, तो तुम उसी की साइड लोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दिशा। चाहे दो दिन ही हुए हैं बट मैंने आंटी को देखा है, उन्हें समझा है। शी इज अ रियली ग्रेट पर्सन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि निया को ऐसा क्यों लगता है कि आंटी ने यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी अभी। वैसे निया ने मुझे आप लोगों के बारे में बताया था दुबई में। उसने बताया था कि अंकल की एक और फैमिली है इंडिया में। मैंने अंकल को कभी देखा नहीं था, इसलिए एक दिन जब वो तुम्हारे घर आए तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। पहचान तो उन्हें हम भी नहीं पाए आज तक। तुम्हें पता है मैं उनसे नफरत करती थी, पर अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि नहीं, पापा चेंज हो गए हैं, वो हम सबकी बहुत केयर करते हैं। गलत थी, दिखा दिया उन्होंने अपने पुराने रंग वापस। इस सब के चलते एक बात तो कंफर्म है, इस दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चावी, तुम ठीक हो? ये जल गई है। क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे नाराज क्यों? छोड़ दिया था ना आपने मुझे मरने के लिए आग में। आज घर चलेंगे बेटा, सब वापस आ जाएं पहले। बच्चे अम्मा के साथ मंदिर गए हैं तुम्हारे नाम का प्रसाद चढ़ाने, फिर वो बैंक जाएंगे, वहाँ से पैसे निकाल के आएंगे, यहाँ पैसे भरने हैं ना, फिर हम घर चलेंगे। पर दिशा तो कह रही थी कि आग की वजह से घर की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। हाँ बेटा, अपराजिता जी बताइए क्या काम है मुझसे?
बस तुम्हारे डैड डॉक्टर से मिलने गए हैं। एक बार डिस्चार्ज पेपर साइन हो गए फिर हम घर चलेंगे, ओके? अनिया, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एंड बेबी, यू डोंट हैव टू वरी, मैं उस अपराजिता को तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। नाउ हैव सम जूस। नहीं, जूस नहीं लेकर आए ये लोग, कहा था मैंने इनसे। ये पकड़ो। नहीं रुको, मैं तुम्हें आके खिलाती हूँ, जूस लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, ओके? व्हाट, फाइन, एनर्जी कैसे आएगी, जूस पीना पड़ेगा। आई विल बी बैक। देखिए, हमारे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आग लगी नहीं, लगाई गई। अगर आप ये सोचकर इस तरफ ध्यान देंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो आपको भी कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा, कुछ भी, जैसे फिंगरप्रिंट्स या कुछ भी, जैसे भी आप पता कर सकें। एक बार ध्यान देकर देखिए।